डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय परिवारों के व्यवहार में घरेलू खर्चों को लेकर पिछले 10 वर्षों में आए बदलावों को इंगित करते राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट जितनी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR की इस पर टिप्पणी भी की उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। उल्लेखनीय है कि NSO द्वारा करीब 11 वर्षों के अंतराल के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 वर्षों में दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। रिपोर्ट का यह कहना कि न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण परिवार भी अब भोजन से ज़्यादा कपड़ों, मोबाइल, टीवी व मनोरंजन के दूसरे साधनों पर खर्च कर रहे हैं, दर्शाता है कि न केवल लोगों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि उनके जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। नीति आयोग के पिछले वर्ष जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने देश की 11% आबादी को बेशक गरीबी रेखा से नीचे बताया था, लेकिन NSO की वर्तमान रिपोर्ट कि निष्कर्षों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कामयाबी का ही पता चलता है और नीति आयोग की टिप्पणी को इन्हीं अर्थों में देखना चाहिए। NSO की रिपोर्ट के अनुसार शहरी ग्रामीण उपभोग के बीच फर्क जो 2004-05 में अपने उच्चतम स्तर 91% पर था, अब 2022-23 में 71% पर पहुंच चुका है। निरंतर घटती शहरी ग्रामीण असमानता को ही इंगित करता है। दरअसल 2014 में केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन के नेतृत्व में गठित पैनल के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1.407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये मासिक व्यय से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, जबकि NSO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आबादी के सबसे व्यय कम करने वाले नीचे के 5-10% लोगों का व्यय भी इससे कहीं अधिक ज़्यादा है। जाहिर है कि रंगराजन की गरीबी रेखा की परिभाषा को कसौटी माने, फिर भी नीति आयोग के मुख्य टिप्पणी ही प्रमाणित होती है। हालांकि रिपोर्ट का यह कहना कि ग्रामीण व शहरी परिवारों में अनाज पर होने वाला खर्च पिछले 2 दशक पहले की तुलना में घट गया है, भारतीय थालियों में अनाज की घटती मात्रा को ही दर्शाता है, जो चिंताजनक है। गरीबी के स्तर का 5% से कम पर पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, लेकिन खाद्य सुरक्षा संबंधी व्यापक लक्ष्यों को देखते हुए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।